सब्सक्राइब कीजिए गुरुकुल हब यूट्यूब चैनल को और साथ में बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि आपको हमारे द्वारा भेजी जाने वाली सभी वीडियोस के नोटिफिकेशन सबसे पहले। हेलो गाइस, यूट्यूब के गुरुकुल हब चैनल में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तो जैसे कि हमारी एसएससी के प्रीवियस क्वेश्चंस की सीरीज चल रही है, लगातार इस पर हम एक वीडियो डेली बेसिस पर ला रहे हैं जिसमें हम आपको 20 से 25 क्वेश्चन डेली बेसिस पर कराकर चल रहे हैं। और ये डेफिनेटली सी बात है, और जो मैं बार बार कह रहा हूं कि अगर आपने ये 5000 क्वेश्चन की सीरीज को पूरी तरह से कंप्लीट कर लिया तो जो आप सोचते हैं कि 40 का जो स्कोर है वो एक नामुमकिन है, फिर वो नामुमकिन नहीं रह जाएगा। क्योंकि इन 5000 क्वेश्चन के अंदर हर वो क्वेश्चन शामिल होगा जो ट्रेंडिंग है, जो एग्जाम में पूछा जा रहा है। तो आप लगातार इस वीडियो को वॉच कीजिए। ठीक है गाइस, तो स्टार्ट करते हैं आज के जो हमारे क्वेश्चन है कि पहला क्वेश्चन है कि भारत का संविधान कब लागू किया गया। भारत का संविधान लागू किया गया था 26 जनवरी 1950 में लागू हुआ था, और इसको अपनाया जो गया था वो अपनाया गया था 26 नवंबर 1949 को। तो दो क्वेश्चन बनते हैं यहां से। ठीक है, सेकेंड क्वेश्चन है कि भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकार दिए गए हैं। तो मौलिक अधिकार दिए गए हैं संविधान के भाग तीन में मौलिक अधिकारों का उल्लेख मिलता है। भारत के कौन से राष्ट्रपति लगातार दो कार्यकाल तक अपने पद पर बने रहे। तो वे हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। राष्ट्रीय आपात स्थिति की घोषणा जारी नहीं रहती यदि संसद उसे अनुमोदन प्रदान न कर दे 1 महीने के भीतर। ठीक है, तो 1 महीने से ज्यादा आपात स्थिति की घोषणा जारी नहीं रहती है। संसद के दोनों सदनों की बैठकों का सभापति कौन होता है? तो वह होता है लोकसभा अध्यक्ष। ठीक है, संसद के दोनों सदनों की जो बैठक होती है उसका सभापति लोकसभा अध्यक्ष। उस संसद समिति को जो भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट का संवीक्षण करती है कहा जाता है लोक लेखा समिति। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जाता है कि उस संसद समिति को जो भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक, ठीक है, की रिपोर्ट का संवीक्षण करती है उसे कहा जाता है लोक लेखा समिति। नियंत्रक महालेखा परीक्षक यानी कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया CAG, सर्वेंट ऑफ इंडियन सोसाइटी के संस्थापक कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले। फिर आता है कि लोकसभा की बैठक के लिए कम से कम कितने सदस्यों का कोरम होना चाहिए? तो यह होना चाहिए सदन के कुल सदस्य संख्या का 1/10। संसद के कुल सदस्य संख्या का 1/10। नेक्स्ट है कि विश्व में अभ्रक यानी कि माइका, जिसे माइका कहा जाता है, का सबसे बड़ा रिजर्व भंडार किस देश में है? तो सबसे ज्यादा जो रिजर्व भंडार जो मिलता है वो मिलता है भारत में। उत्पाद शुल्क किस पर लगाया जाता है? तो उत्पादन पर लगाया जाता है, प्रोडक्शन पर लगाया जाता है। मुक्त व्यापार जिसे कहते हैं हम, फ्री ट्रेड का अभिप्राय क्या है? अंतर्राष्ट्रीय व्यापार जिसमें माल तथा सेवाओं का अनियंत्रित आदान प्रदान होता है। मुक्त व्यापार उसे कहते हैं जिसमें अंतर्राष्ट्रीय व्यापार माल तथा सेवाओं का अनियंत्रित आदान प्रदान होता है। बैंक दर, बैंक रेट की वृद्धि से क्रेडिट महंगा हो जाएगा, क्रेडिट महंगा हो जाता है। सममूल्य से संबंधित होता है, सममूल्य से संबंधित होता है वह दर जिस पर शेयर जारी किया जाता है। सममूल्य से संबंधित होता है वह दर जिस पर कोई भी शेयर जारी किया जाता है। बांदीपुर वन्य जीवन जीव अभ्यारण किस राज्य में स्थित है? बांदीपुर वन्य जीव अभ्यारण है कर्नाटक में। ठीक, फिर आता है प्रकाश संश्लेषण की दर किस रंग के प्रकाश में सबसे अधिक होती है? तो यह होता है लाल रंग। कौन सा रंग होता है? लाल रंग। तो लाल रंग में प्रकाश संश्लेषण की दर सबसे अधिक होती है। नेक्स्ट है कि चमगादड़ों में पाया जाता है पराश्रव्य ध्वनि तंत्र, जिसको बोलते हैं अल्ट्रासोनिक, जो पराश्रव्य ध्वनि को भी आसानी से सुन लेता है। विटामिन ए की कमी के कारण सामान्यतः शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है?
विटामिन ए की कमी के कारण सामान्यतः शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? आंख। ठीक, अफ्रीका में जायरे, जायरे यानी कि देश ने फिर से अपना कौन सा मूल नाम रख लिया है? तो अपना नाम रखा है कांगो रिपब्लिकन, कांगो रिपब्लिकन। ठीक है, भारतीय सेना का प्रथम फील्ड मार्शल कौन थे? सेम, मानेकशॉ। भारतीय सेना के प्रथम फील्ड मार्शल कौन थे? सेम, मानेकशॉ। गांधी फिल्म का निर्माण किसने किया था? गांधी फिल्म का निर्माण किया था बेन किंग्सले ने, बेन किंग्सले ने गांधी फिल्म का निर्माण किया था। फिर आता है प्राथमिक या बुनियादी रंग, प्राथमिक या बुनियादी रंग कौन कौन है? तो यह है लाल, नीला और हरा। प्राथमिक और बुनियादी रंग कौन कौन है? लाल, नीला और हरा। फिर आता है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहां पर है? अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय है हैग में। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहां पर है? हैग में। त्रिशूल किस प्रकार का प्रक्षेपास्त्र है? त्रिशूल किस प्रकार का प्रक्षेपास्त्र है? भूमि से वायु का। त्रिशूल किस प्रकार का प्रक्षेपास्त्र है? भूमि से वायु का। नेक्स्ट आता है नेताजी सुभाष राष्ट्रीय खेल संस्थान कहां पर स्थित है? नेताजी सुभाष राष्ट्रीय खेल संस्थान कहां पर स्थित है? पटियाला में। कथकली नृत्य का उद्गम किस राज्य में हुआ है? कथकली नृत्य का उद्गम हुआ है केरल राज्य में। ठीक है गाइस, तो ये हो जाते हैं आज के 25 क्वेश्चन कंप्लीट, जो प्रीवियस एग्जाम से लिए गए हैं एसएससी के, सीजीएल, सीएचएसएल, एमटीएस, सीपीओ एग्जाम से लिए गए हैं, और मैं मानता हूं आने वाले सभी एग्जाम के लिए इंपोर्टेंट है। तो आप इस सीरीज को बिल्कुल भी मिस ना करें। डेली बेसिस पे ये सीरीज हमारी आती है जहां हम 20 से 25 क्वेश्चन डेली बेसिस पे आपको कराकर चलते हैं। तो उम्मीद करता हूं आपको आज की ये वीडियो भी पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें। आप न्यू हैं, आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत रेड बटन पर क्लिक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि आपको हमारे द्वारा भेजे जाने वाले सभी नई वीडियो के नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलते रहे। धन्यवाद।